जब कपड़े उन्होंने सब पहन लिए तो उसके बाद जो है क्या कहते हैं, मतलब वो बाहर आई तो कहा है कि जो है तुम लोगों को जरा सा मतलब इतना निर्लज्ज बना नहीं होना चाहिए, मुझको तुम लोगों ने वो कर दिया। तो उन्होंने कहा, सब लोगों ने कहा कि बिटिया तुम मर चुकी थी, तुम्हारे तो प्राण फिर से आए हैं, तुम 3 दिन तक यहाँ पर थे, तुम्हारी लाश तो सड़ने लगी थी। कहाँ सड़ने लगी, देखो मैं ठीक ठाक हूँ, है ना। तो जो है क्या कहते हैं, फिर कहा हुआ क्या था बिटिया बताओ तो कुछ, मतलब जो बड़ी बूढ़ी औरतें थी उनसे भी उम्र की। तो कहने की देखो सबसे पहली बात तो मैं ज़्यादा कुछ बता नहीं पाऊँगी, लेकिन हाँ मैं जब बेहोश होके गिरी तो मुझको 2 यमदूत आए, काले काले से थे, लंबे लंबे से, और उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा और हमको अपने साथ उड़ाते हुए एक आसमान में लेते चले गए बहुत दूर तक। तो उनमें से एक बोला, अरे या अरे भैया ये जो है क्या कहते हैं तुम किसको उठा लाए हो, इसके लिए तो हमको क्या कहते हैं आज्ञा नहीं मिली थी, ये तो किसी दूसरे के लिए आए, किसी दूसरे को लाना था तुम दूसरे के लिए आए। तो कह नहीं यही वही है, कह नहीं यार, दोनों आपस में झगड़ने लगे। वो कहता है कि तुम्हारी गलती है, वो कहता है मेरी गलती नहीं, जो हमको कहा गया हम उसी को लाए। वो कहता है नहीं ये दूसरी है, किसी और को कहा गया था। कह लड़ते झगड़ते वो जो है पहुँचे एक बहुत बड़ी बिल्डिंग में, सफ़ेद की बहुत बड़ा सा एक इमारत जैसी थी। तो उसके अंदर गए तो वहाँ पर जो है एक आसन पर बहुत ही मोटे ताजे बैठे थे, जिसको आप लोग यमराज या चित्रगुप्त कुछ भी कहिए। उन्होंने देखते कहा, अरे गधो तुम लोग ये क्या उठा के लाए इनको, ये जो है इसका तो अभी जीवन है ना, इसको तुम लोग वापस कराओ, तुमको दूसरे को लाना था इसको लेके चले आए। तो उन्होंने कहा कि हम लोग तो लेके आए, आपने जो कहा था, कहने मैंने ये नहीं कहा था, इनको कहा था। इस तरह से जो है मतलब खूब होने लगी। तो बुआ जो मर चुकी थी, मतलब उनकी आत्मा, उन्होंने कहा कि आप लोग लड़ो ना आपस में, है ना, तो क्या कहते हैं हमको जहाँ से लाए वहीं छोड़ दो। तो जो है क्या कहते हैं, लेकिन मरने से पहले हमको पूरा ये दिखाओ कि क्या इलाका है जिसको आप लोग स्वर्ग कहते हैं, हमको घूमना चाहते हैं। तो दोनों यमदूतों ने उनका हाथ पकड़ के उनको घुमाना शुरू किया। कहीं पर लोग वाग बैठे हुए थे, सुख मतलब बहुत ही शान और शौकत से बैठे थे, लेकिन बिलख रहे थे, रो रहे थे। कहते क्यों रो रहे, कहते अरे ज़िंदगी भर मैंने बहुत पुण्य कमाया, सब कुछ किया, लेकिन दान नहीं दिया, ना किसी भूखे को खाना खिलाया, आज मेरे पास सब कुछ है लेकिन खाना नहीं है, किसी को कोई प्यास से मर रहा है, कोई क्या कहते हैं सब कुछ होते हुए भी कोई गाली गलौज कर दूसरा उस पर चढ़ा जा रहा है। तो मतलब सबको जो है कर्म के अनुसार फल तो मिला, मतलब उन्होंने जो पुण्य जो भी कुछ अपने पुण्य किए होंगे उसके अनुसार स्वर्ग तो मिला, लेकिन कर्म उनके अच्छे नहीं थे तो उसका तो फल भुगत नहीं था। तो ये इस तरह से करते करते जो है उन्होंने पूरा घुमाया, उन्होंने सब कुछ देखा। उसके बाद जो मुख्य थे जिसको आप लोग यमराज कहते हैं, उन्होंने कहा जाओ इसको वापस कराओ, बस वो वापस कराए और उसके बाद उसको ढकेल के ले गए और उसको शरीर में प्रवेश करा दिया। उसके बाद की कथा तो ये है कि सब नहलाने जा रहे थे, वो भाग के जो है गाली गलौज करते हुए अपने कमरे में चले गए, क्योंकि पूरी नग्नावस्था में थी, वहाँ जाके कपड़े वपड़े पहने थे। अब इस घटना को जो हुआ 42 साल की, फिर उसके बाद वो जिंदा रहीं और 85 साल की उम्र में उनका देवासन हुआ और वो जो है मतलब उन्होंने सुख शांति से, फिर वो दोबारा ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो ये कहानी मुझको सुनाई। अब आप लोग इस कहानी में मतलब ये सोच सकते हैं कि ये कहानी मैं क्यों सुना रहा हूँ। मैं कहानी इसलिए सुना रहा हूँ कि भैया जो कुछ भी करो, भूखे गरीब नंगे इनकी सहायता ज़रूर किया, इनको खाना पीना ज़रूर दिया करो, जितना भी आप से पक्षियों को दाना डाला करो और जीव जंतु से प्रेम किया करो, उनको भी खाना यथासंभव दिया करो, क्योंकि ये भी हमारे पूर्वज हैं जो कि मर के अपने कर्मों के अनुसार योनि पाए हैं। पेड़ पौधों की रक्षा करो, जंगल की, पहाड़ों की, नदियों की, ये भी हमारे पूर्वज हैं। जिस तरह से पेड़ पौधे जो हैं उनको ऐसा कर्म उन्होंने किया कि वो एक जगह खड़े रहते हैं, आंधी तूफान सब कुछ करते हुए सब कुछ, उनको काट भी डाला जाता है, उनको नोचा डाल दिया जाता है, उन पर आग लग जाती है, लेकिन वो बेचारे अपने बचाव के लिए कुछ नहीं कर पाते, ये भी उनको एक दंड मिला है। जैसे कि वो श्री कृष्ण जी ने जो है अपने बाल्यावस्था में उनकी माँ ने उनके पीछे ओखली से बांध दिया था और दोनों पेड़ों के बीच में फंस के उन दोनों पेड़ों को गिरा दिया, जो कि मतलब यक्ष थे,
और उन्होंने प्रकट होकर जो है क्या कहते हैं उनको श्री कृष्ण जी का धन्यवाद कहा, उनसे आशीर्वाद लिया कि प्रभु आपके कारण मुझे मुक्ति मिली है। तो जड़ जीव सब में जो होता है भगवान का वास होता है, भगवान के वास होता है, इसलिए सबकी इज्जत करो, सबको भरपूर जितनी आपसे हो सके उतनी आपकी सहायता करो, और भूखे को खाना खिलाओ, नंगे को कपड़ा दो, और पशु पक्षियों की सेवा करो, पक्षियों के लिए अनाज या रोटी ऊपर डाल दिया करो छत पर जैसे वो रहे। इस तरह से मैं अपनी कथा को समाप्त कर रहा हूँ। आशा करता हूँ ये कहानी भी अविश्वसनीय अकल्पनीय है लेकिन पूर्णतया सत्य है, इसलिए इसको जो है आप लोग मनयोग से पढ़िएगा और उस परम पूज्य परमात्मा को धन्यवाद दीजिएगा जिसने आपको पैदा किया है, आपको इस दुनिया में लाए हैं किसी कार्यवश, उस कार्य को पूरा करिए, अपने घर परिवार की चिंता करिए, उनकी सेवा करिए, बूढ़े माँ बाप की सेवा करिए और बच्चों को खूब पढ़ाइए लिखाइए, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। मैं बाबा अनिल आपसे विदा ले रहा हूँ, अनिल मजुमदार, बाबा अनिल जिसे लोग भाग गाली से बहुत बुरी बुरी गाली देते हैं, आज मैं गाली नहीं दूंगा क्योंकि ये धर्म की कथा है। अतः मैं चाहता हूँ मेरे आशीर्वाद के साथ आप लोग भी खूब संपन्न हो, फले फूले। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।